हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। टाइटल से आपको समझ ही गया रहेगा, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्पीच राइटिंग कैसे करते हैं, स्पीच राइटिंग के कौन सा फॉर्मेट है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और आज के वीडियो में मैं एग्जाम्पल भी समझाने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी फ्रेंड्स के लिए और आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्पीच राइटिंग कैसे करते हैं। आज हम देखने वाले हैं पहले व्हाट इज अ स्पीच राइटिंग एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीच राइटिंग। तो आप सभी के मन में ये सवाल होगा, स्पीच राइटिंग एक्चुअली होता क्या है? आपने ये देखा होगा जब भी आपके स्कूल में कोई तो एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होता है तो आपका जो फ्रेंड है जिसने उसमें पार्ट लिया है वो एक स्पीच डिलीवर करता है। टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, लाइक एजुकेशन हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, हॉलीडेज हो सकता है, एक और लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपका ओपिनियन हो सकता है, इम्प्रॉम्प्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक टॉपिक दिया गया रहता है आपको और उस टॉपिक को आपको इलैबोरेट करना रहता है एज अ फॉर्म ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच बोलना रहता है वो टॉपिक के बारे में। स्पीच राइटिंग और ऐसे राइटिंग में फर्क है। स्पीच आप लोगों के सामने बोलते हो और ऐसे लिखा जाता है, लाइक ऐसे आप प्रॉपर वो सब्जेक्ट के बारे में लिखते हो, बट स्पीच पे आप अपने ओपिनियंस देते हो, वो ओपिनियन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसको बोलते हैं स्पीच राइटिंग। आप डीप डीप नहीं करने वाली हूँ कि स्पीच राइटिंग में कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे भी जस्ट सिंपल आपको बताने वाली हूँ। स्पीच राइटिंग में या स्पीच में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। कोई भी टॉपिक दिया गया आपको, सपोज आपको टॉपिक दिया गया वुमेन एजुकेशन, तो गर्ल्स एजुकेशन के बारे में आपको जब भी टॉपिक दिया जाता है तो उसके एक अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स इंपॉर्टेंट होता है। स्पीच के ओपनिंग एंड स्पीच का एंडिंग वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जब आप स्पीच ओपन करते हो या स्पीच डिलीवर करना स्टार्ट करते हो तो आपकी इंथुजियास्टिक एनर्जी दिखती है। तो मेक श्योर दैट जब भी आप स्पीच लिखने हो या बोल रहे हो तो आपको ग्रीटिंग्स देनी है, लाइक अ गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, माय डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, फ्रेंड्स एंड द पेरेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस काइंड ऑफ स्पीच और व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर स्पीच। एंडिंग में भी आपको थैंक यू और उससे रिलेवेंट कुछ कोट या स्लोगन हो तो आपको मेंशन करना है, बहुत अट्रैक्टिव एंडिंग दिखती है। और सेम आपको स्पीच राइटिंग के टाइम भी फॉलो करना है, पहले ग्रीटिंग लिखनी है, मतलब पहले आएगी आपकी ग्रीटिंग जो आप स्टार्ट करते हो ओपनिंग ऑफ द स्पीच, देन बीच में आने वाला है ऑल ओवर कंटेंट। कंटेंट आपको 2-3 पैराग्राफ्स में लिखना है, 80-100 वर्ड्स में, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। और नीचे आएगा आपका कंक्लूजन, मतलब कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, वो भी 2-3, ऐसे 1 पेज आपको स्पीच लिखना है। और बोर्ड्स ने इतना ईजी किया है आपके लिए कि कोई भी स्पीच अगर आपको दिया हो तो उसके रिलेवेंट पॉइंट्स दिए रहते, वो पॉइंट के अनुसार ही आपको लिखना है, आपको खुद का दिमाग इतना नहीं चलाना है, जस्ट वो पॉइंट के अनुसार आपको स्पीच लिखना है। वो पॉइंट्स आपको हिंट की अनुसार दिए गए रहते हैं, वो हिंट अगर आपको समझ में आई स्पीच राइटिंग आपको 100% समझ आने वाली है। तो अभी पहले आप मार्किंग सिस्टम देखते हैं स्पीच के और फिर हम देखने वाले। तो स्पीच की मार्किंग सिस्टम ऐसे होती है, बिगिनिंग एंड द कंक्लूजन जो आप लिखते हो उसको होने वाला है 1 मार्क, जो आपकी अट्रैक्टिव बिगिनिंग होती है एंड कंक्लूजन को कंटेनिंग 1 मार्क, तो आपकी बिगिनिंग और कंक्लूजन अच्छा ही होना चाहिए। बॉडी दैट यू आर गोइंग टू राइट विच कंटेन्स द हिंट पॉइंट, जो आपको हिंट पॉइंट बोर्ड्स ने दिए गए रहते हैं वो उन्होंने आपने इंक्लूड किए है कि नहीं एग्जामिनर देखता है, और आपने कौन से एडिशनल पॉइंट्स यूज किए, कौन से अपने खुद से पॉइंट यूज किया और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए होते हैं 2 मार्क्स, देन 1 मार्क्स आपका होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या ग्रामेटिकली आप कितने करेक्ट हो। आपने सभी स्पीच लिखा है, थोड़े बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दिए तो ग्रामेटिकली भी आपको करेक्ट रहना है प्रॉपर स्पीच में, तो आपके हो गए 5 मार्क्स। पहले आ गया इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, देन बॉडी एंड नेक्स्ट आ गया ग्रामेटिकल, उसके हो गए हमारे 5 मार्क्स। हमारा होता है फ्लो ऑफ द लैंग्वेज एंड द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक, कि आपका सीक्वेंस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब आपको स्पीच दिया गया फर्स्ट में आप अगर अलग ही बोल रहे हो, सेकंड पैराग्राफ में अलग बोल रहे हो, थर्ड पैराग्राफ में अलग बोल रहे हो, नो, आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बॉडी फ्लो ऑफ द लैंग्वेज एंड देन लास्ट द ग्रामेटिकल, ये है आपका 5 मार्क्स का कन्वर्जन। और अगर ये सेम कन्वर्जन आप फॉलो करते हो तो आपको 5 out of 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अभी हम देखने वाले एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको डिटेल आइडिया आएगी कि स्पीच राइटिंग करते कैसे है। आज हम देखने वाले हैं ड्राफ्टिंग स्पीच राइटिंग क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 आता है 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या है वो देखते हम। प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड बाय यू इन द इंटरनेशनल इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन ऑन अकाउंट ऑफ टीचर्स डे, टॉपिक सैल्यूट टू द टीचर। बेसिकली इन्होंने जो हमें टॉपिक का नाम है वो दिया गया है, ये हिंट्स है हमारे, एन एक्सीलेंट एडुकेटर
brightens a soul with its light, resourceful and dedicated and hard work and motivation. ये points हमें follow करने जब हम speech लिखने वाले हैं, speech deliver करने वाले, ये hints हमें board से दी गई रहती है, same hints और same point आप use कर सकते हो और title भी दिया रहता है. तो चलिए देखते हैं हमारा speech. तो स्पीच का टाइटल हमने लिख दिया सैल्यूट टू द टीचर्स. मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रीन पेन से लिखा है, आप सेम पेन से लिख सकते हो ब्लू जो आप यूज कर रहे हो बोर्ड्स के लिए ब्लैक. और मेक श्योर दैट टाइटल को आप हाईलाइट कीजिए, स्क्वायर बॉक्स बनाइए और अंडरलाइन कीजिए. टाइटल हाईलाइट होता है इससे और अच्छे मार्क्स मिलते हैं. पहले हम करेंगे ग्रीटिंग्स. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई डियर ऑल फ्रेंड्स. I, Ms. Radha Patel, would take this golden opportunity to welcome all you on the occasion of Teachers' Day celebration. हमने यहाँ पे देखा है कि हमने पहले greetings किए हैं, मतलब opening किया है. हमने ये opening किया है और इस opening के time हमने लिखा है, देखो principal के लिए हमने dear respected principal, dear teachers and friends के लिए है. ये नाम आप कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी problem नहीं. आप खुद का नाम भी लिख सकते हो या एक random नाम भी लिख सकते हो. A teacher introduces a child to the social life. They are not only the excellent educator, but also the great source of knowledge for the student. They teach from the heart, not just from the book. By putting their mind share, they brighten and enlighten the soul of the student. Teachers are hardworking and are self-motivated. They always motivate us to do something better in our life. Their resourcefulness and dedication is the key of the transform and students' overall personality. We acknowledge and appreciate the work of our teachers put in. They are the source of knowledge and wisdom. From them leads the ideas and will thought. That one day each one of us use will provide back to this society. Means हमारे टीचर से हमें जो मोटिवेशन मिलता है, व्हाट मोटिवेशन वी गेट, हाउ दे टीच अस, हाउ दे अप्रिशिएट अस एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेन द नॉलेज एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सेम रीपे बैक टू द सोसाइटी. ये हमने लिखा है इस पैराग्राफ में. एंड फॉर लास्ट पैराग्राफ, फॉर द कंक्लूजन, टू सम इट अप ऑल, आई वुड लाइक टू से टीचिंग द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स अदर प्रोफेशन. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरी वन, अ बिग सैल्यूट टू द टीचर. देख सकते हैं आप कंक्लूजन में आपको थैंक यू बोलना है और एक बेस्ट कोट या अच्छी लाइन आपको मैंशन करनी है स्पीच राइटिंग के टाइम. तो स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट जैसे मैंने बताया ऐसे सेम अपने फॉलो किया तो आपको आउट ऑफ मार्क्स 101% मिलने वाले हैं. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं 100% उनका आंसर दूंगी. और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू so much for watching and all the best.